पाकिस्तानियों की फूड एंटरटेनमेंट की सबसे खाई जाने वाली गजा मुर्गी यानी कि चिकन, जो कि पाकिस्तान में हम ये भी कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, फूड एंटरटेनमेंट के हवाले से, इसको पाकिस्तान की कौमी गजा भी कह सकते हैं। आप फास्ट फूड पे चले जाएं, आपको चिकन की जरूरत पड़ती है। आप घरों के अंदर दावत होती है, वहां पे चिकन की जरूरत पड़ती है। आजकल बच्चे जो हैं वो ब्रॉयलर चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं। और इसके अलावा रमजान मुबारक के बाद आप सब जानते हैं कि शादियां बहुत ज्यादा होती हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे भी जो मुर्गी का इस्तेमाल यानी कि गोश्त, मुर्गी का गोश्त बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि वो लोग जो साहिब इस्तात नहीं हैं, जिनको अपने बच्चों को शादी की खुशियां उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनकी एक वाहिद एंटरटेनमेंट वो ये है कि वो मुर्गी का गोश्त यानी कि अपने आने वाले मेहमानों की तवाजो मुर्गी के गोश्त से कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर तारीख के सबसे ज्यादा जो इस टाइम मुर्गी का जो प्राइसेस का एक इशू चल रहा है कि आप सबने देखा है कि पाकिस्तान में कितना एक दिन में मुर्गी की प्राइस का जो इजाफा हुआ, और पिछले 2-3 रोज से जो कीमतें बढ़ी, जो नर्ख बढ़े हैं, होशरुबा नर्ख बढ़े हैं, उसने लोगों को बड़ा परेशान कर दिया है। अब जैसा मैंने कहा है कि रमजान के बाद शादियों का सीजन होता है, लोगों की शादियां भी होती हैं, फिर घरों में भी बहुत सा एहतमाम किया जाता है। नर्ख बढ़ने के बाद जाहिर बात है जो जो मुर्गी बेचने वाले हैं वो भी परेशान है, जो ग्राहक है वो भी परेशान है, जो खरीदार है वो भी परेशान है कि आखिर अगर अब हम क्या करें, हम बाइकआउट करें, हम मुर्गी का इस्तेमाल छोड़ दें। अब शादी ब्याह के फंक्शन तो होने हैं, उसमें तो आप उस नहीं कर सकते, लेकिन एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। आपको बताता चलूं कि मुर्गी के नरखों का जब हम जायजा लेते हैं, तो माह रमजान के तीसरे अशरे से आज तक नरखों में जो इजाफा हुआ है, सिर्फ कराची और लाहौर की बात करें, बुध के रोज मार्केट में 1 किलो वजन की जो मुर्गी है उसकी कीमत तकरीबन 580 रुपये, और गोश्त जो था वो 840 रुपये में फरोख्त हुआ। और कई जगह पे गोश्त की कीमत जो है वो 840 से बढ़ के 1000-1200 रुपये में भी सेल हो रहा था। अब कराची शहर में ये कीमत, और लाहौर शहर में और इसके अलावा दीगर शहरों के अंदर जब 840 रुपये एक एक चिकन की यानी कि एक नॉर्मल एवरेज चिकन की कीमत है, और अगर आप 1 किलो की बात करो, अगर आप उसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद आप देख लें कि एक मुर्गी जब आप लेते हैं तो उसमें अगर 1.5 किलो की मुर्गी या 1.25 किलो की मुर्गी है तो वो 1500-1600-1700 रुपये कीमत उसकी चली जाती है। अच्छा, जिन लोगों ने मैरिज हॉल के साथ कमिटमेंट की होती है, प्राइस दी होती है, और मैरिज हॉल वालों की भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक एक प्राइस तय कर ली होती है, लेकिन उस प्राइस के ऊपर जब उनको जब खरीदने जाते हैं तो उनको भी उसका नुकसान है। और इसके अलावा जो लोगों को डिस्टरबेंस होती है, एनजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि जब कीमतें बढ़ने से एक वाहिद एंटरटेनमेंट जो चिकन है वो भी आपको नहीं मिलती। अच्छा, दूसरी जानब आप कोयटा बलूचिस्तान के शहर की अगर बात करें, कोयटा की, तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ इसी तरह ही है। वहाँ पे भी तकरीबन 850 रुपये जो रेट है मुर्गी का गोश्त का पर केजी वो मिल रहा है। इस कीमत के बढ़ने की वजह क्या है, क्या वजह है कि कीमतों के एकदम होशरुबा इजाफे की वजह क्या है? तो आपको बताते चलें कि जी एक दिन का जो चूजा है, नॉर्मली इसकी जो कीमत होती थी वो 60 रुपये का एक दिन का चूजा जो मार्केट में अवेलेबल होता, लेकिन अचानक से वो चूजा जो 60 रुपये में मिलता था अब वही चूजा 220 रुपये में मिलना शुरू। 220 रुपये कहाँ और 60 रुपये कहाँ, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब वो चूजा जो 60 का वो 220 के मिलेगा तो प्राइसेस में फर्क तो आ ही जाएगा। एक और बड़ी रीजन वो ये है कि पाकिस्तान से चूजा जो है वो अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट हो रहा है। जाहिर बात है जब एक प्रोडक्ट आपके मुल्क से दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट होगी, जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है, पोल्ट्री फॉर्म्स के अंदर हम खुद कफील हैं, एक कसीर तादाद है जो पोल्ट्री का बिजनेस पाकिस्तान में लोग करते हैं, हमारे पास अच्छी पोल्ट्री की यहाँ पे कंजप्शन है, लेकिन इसके बावजूद जब उसको आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है ना वो बढ़ जाएगी। अच्छा, जब प्राइसेस की बात आती है, जहाँ पे चूजे की कीमत 220 रुपये तक चलेगी, वहाँ पे जो जो फीड है उसकी हवाले से भी पोल्ट्री एसोसिएशन वाले ये बात इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि जी जो मुख्तलिफ जो टैक्सेस हम पे आयद होते हैं, जो सोयाबीन के ऊपर जो टैक्स लगता है, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, हम हमारी जो फीड है उसके ऊपर टैक्सेस कम करें ताकि
टैक्स कम होगा, उसकी प्राइस कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिकली चिकन की जो प्राइस है ना वो भी कम होगी। अब 480 रुपये में एक आप इमेजिन कर लें, आज से कुछ अरसा पहले 480 रुपये, 400 रुपये में फरोख्त होने वाला चिकन अचानक 840 रुपये में जब फरोख्त होगा तो कितना डिफरेंस होगा प्राइसेस के अंदर, और लोगों के लिए कितनी मुश्किल पैदा होगी। एक वाहिद एंटरटेनमेंट चिकन जिसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो आपकी रसाई तक है। अब जब 840 रुपये प्राइस चले जाएगी तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे कि हम चिकन से कन्वर्ट होकर बड़े गोश्त में चले जाते हैं, एटलीस्ट वो 1000 या 1100 रुपये पर केजी मिल जाता है। तो उससे यह है कि चिकन की आपकी इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर होगी, बहुत से दुकानदार जो बिजनेस कर रहे हैं वो मुतासर होंगे, और बहुत से कंजप्शन जो है चिकन की वो भी कम हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि ये जो सीजन है, खासतौर पे शादियों का सीजन है, बहुत से लोगों के घरों में शादियां भी चल रही हैं, उनके लिए भी ये कितनी मुश्किल हो सकती हैं। सो गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा कि एक्सपोर्ट जो है, चूजे की एक्सपोर्ट जो अफगानिस्तान में हो रही है उसको रोकना होगा, और जो फीड की जो टैक्सेस उसके ऊपर आयद करते हैं उस टैक्सेस को कम करना होगा, ताकि इसकी एक्सेसिबिलिटी सबके लिए हो, हर लोग इसको इजीली खरीद सकें, और ताकि जो खरीदार भी मुतासिर ना हो, बेचने वाला भी इससे मुतासिर ना हो, और जो मुर्गी की इंडस्ट्री है उसका जो बिजनेस है वो भी चलता रहे।